तो गाइस ये देखिए नाइकी बहुड़िया, ओ भाई साहब क्या बात है। क्या हुआ ना नीचे वो हो रहा था तो मम्मी जी ने ऐसे उड़ा दिया, बोले कि लाओ लेके जाओ। सेटअप हो चुका है जंगल थीम बेटी के लिए और दिखाती हूँ आप लोग को, देखिएगा तो आप लोग भी चकाचौंध रह जाइएगा। ए फैमिली वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग चैनल मिस्टर एंड मिसेस प्रशून। तो दोस्तों फाइनली 72 घंटे के बाद चश्मा उतारा हूँ। अभी थोड़ा बहुत इन्फेक्शन सही है, सही क्या मतलब लगभग बहुत सही हो गया है। और थैंक यू सो मच, ये 3-4 टाइम दवा डालती रही दिल पे पत्थर रख के, क्योंकि इनको भी डर लग रहा था कि कहीं इनको भी ना हो जाए। और आज पता है गाइस, आज हमारी तितली 9 मंथ्स की हो गई है, 9 महीने की हो गई बेटू। पता है गाइस धीरे धीरे बड़ हो रही, तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा ना, सुना देखते देखते 9 महीने की हो गई। कुछ दिन में इसका बर्थडे आएगा और बर्थडे बहुत धमाकेदार, बहुत ज़बरदस्त वाला सेलिब्रेशन होगा। ऐसे आज हम लोग छोटा मोटा सेलिब्रेशन करेंगे, बट निशा बोली कि सबसे पहले बाबू का आज करना है फोटोशूट, तो मैं सोचा कि चलो आज कोई अच्छा सा थीम देखते हैं, है ना बेटू। बोले सभी को हेलो, दादी माँ ने काजल कर दिया, पूरे काजल लबेर लिए। बोले हेलो, अभी नहीं बोलेगी। शैतानी ऐसी बढ़ गई कि ये यहाँ से जंप लगाना शुरू कर देती है, इतना ज़्यादा शैतान हो गई है, एकदम पूरा बेड नाप देती है इधर से उधर उधर से इधर। तो आज सोमवार भी है, यानी सोमवारी का दिन है, तो आप सभी को भोले बाबा का आशीर्वाद आप सभी पे बना रहे, है ना तितली। बाबू इतनी छोटी रहती तो कितना अच्छा लगता, नहीं बोरी होती जा रही है, अच्छा नहीं लगेगा, बेटुआ बोरी हो जाएगी, कौन खिलाएगा फिर। अरे तो गुदिया में जाती है, खेलती है, देखो कैसे कैसे मुझे देख लेगी, अनिशा को देख लेगी तो दौड़ के चली जाती है गोद में, है दौड़ के, मतलब दौड़ के मतलब एक्साइटेड वाला, वो गोदी में दौड़ती है, ऐसे ऐसे दौड़ती है, जाना है पापा के पास, पापा के पास जाना है, पापा का बेटू है। तो यही है गाइस, चलिए चलते हैं और कुछ डेकोरेशन करते हैं थोड़ा बहुत, और ऐसे भी शाम में करेंगे थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन। तो वो आई होप कि पता नहीं शायद अगले ब्लॉग में, कल वाले ब्लॉग में देख पाएंगे आप लोग। तो अभी चलते हैं और दादी माँ से भी पूछते हैं इसका किस तरह का थीम बनाया जाए, पहले हम लोग खुद में डिसाइड करेंगे, उसके बाद करेंगे तैयारी। हमारी बिटिया रानी सो चुकी है एकदम महारानी जैसा, एकदम वाह वाह वाह। तो गाइस तितली का रियल नेम आध्यवी श्री है, बहुत लोग नहीं जानते हैं, तो मैं सोचा कि बता दें। हाँ आध्यवी, आध्यवी है ना बेटू, है ना। चलो चला जाए, तो गाइस चलते हैं स्कूल और वहाँ से कुछ लाते हैं डेकोरेशन वाला, कुछ कुछ सामान वगैरह है वहाँ पे पड़ा हुआ तो लेकर आते हैं, आप लोग बने रहेंगे ब्लॉग में। तो गाइस स्कूल से आया और मस्त नहा धो लिया यहाँ पे, और ये हमारी तितली को देखिए, ये उठ गई है अच्छे से, और इसकी मम्मी भी एकदम मस्त तैयार व्यार हो गई है। अभी हम लोग सबसे पहले कुछ रील्स वगैरह शूट करेंगे, और उसके बाद गाइस बहुत सारा सामान लेकर आया हूँ मैं तितली का। आज हम लोग ने थीम भी डिसाइड किया है, तो वो अब आपको इंस्टाग्राम पे तो पता चल ही जाएगा, है आज रेडी हुए हैं। तो गाइस थोड़ा बहुत छुट्टी है, तो चल। तो गाइस अब बारी हो चुकी थोड़ा बहुत चाय पीने के, रिफ्रेशमेंट के लिए, क्योंकि बहुत सारा रील शूट कर रही है। ओ माय गॉड, रुकिए रुकिए दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को एक चीज। तो गाइस ये देखिए नाइकी बहुड़िया, ओ भाई साहब क्या बात है। क्या हुआ ना नीचे वो हो रहा था तो मम्मी जी ने ऐसे उड़ा दिया, बोले कि लाओ लेके जाओ। तो ये चाय लेकर आई है, और ये जो फोटो में आप देख रहे हैं ना सामने, वो शख्स ये है, ये मेरे बुगी है, बुगी बुगी बुगी, मेरे बुगी, प्यारे बुगी, इतने बड़े हो गए हैं 5 साल में, है ना बुगिया, बड़ा हो गया बुगिया हमारा। तो चलिए कोई चाय पीते हैं, पहले एंजॉय करते हैं। ये लीजिए चाय, मम्मी जी ने आपने मांगा मुझे, मेरे लिए ही बना दी, बताइए। चलिए बहुत अच्छा का बात है, चलो भाई आंटी जी चाय पिला रही हैं। वही तो मम्मी चौक। तो दोस्तों मस्त गए ये स्कूल पे, और स्कूल पे जाके बहुत मेहनत से फूल पत्ते तोड़ के लाए, इतनी ज़्यादा गर्मी है और फूल पत्ते तोड़ना मीन्स पता ही है कि थोड़ा बहुत कीड़े मकोड़े काटते हैं, चींटियाँ काटती हैं, बट जो भी हो बेटी के लिए इतना प्यार देख के, मतलब क्या बताऊँ मैं, एकदम मेरे लिए इतना कभी प्यार नहीं झलका जितना बेटी के लिए आजकल झलक रहा है। बाकी मस्त सेटअप हो चुका है जंगल थीम बेटी के लिए और दिखाती हूँ आप लोग को, देखिएगा तो आप लोग भी चकाचौंध रह जाइएगा, क्योंकि इतना प्यारा सेटअप हो गया है ना इतने कम समय में और इतना अच्छा। तो कहते हैं ना कि मतलब इच्छा हो तो कुछ भी हो सकती है, तो वही बात है। चलिए दिखाते हैं पहले सेटअप मस्त ये रहा। टन। तो गाइस अभी हो रहा है पूरा सेटअप, और जब पूरा सेटअप हो जाएगा तब देखिएगा क्या खतरनाक लगेगा। वैसे भी अभी दिखा रहे हैं इधर में देखिए, हाँ थोड़ा बहुत दिखा दो, मैं दिखाऊंगा मैं आप लोगों को ये रहा देखिए, नीचे पहाड़ बना हुआ है, ऊपर से फूल पत्ते और ऊपर से झूला बना हुआ है, चिड़िया लोग झूल रहे हैं। तो बाकी पहाड़ का सेटअप पापा जी का था, पापा जी आए तो देखे पिंक कलर का ऐसे पिलो मैंने दे रखा था, मतलब इन्होंने दे दिया था, तो बोले कि पिंक कलर का थोड़ा पहाड़ होता है, तो जाके ढूंढ के लेके आए, कपड़ा भी लेके आए थोड़ा बहुत पहाड़ का रंग हो जाए ब्लैकिश ब्लैकिश टाइप में। मस्त सब यहाँ पे बैठे हुए हैं, शेर भालू
जितने भी हमारे प्ले स्कूल के मतलब जितने भी हिरन वगैरह ये सब है, सब बच्चे खेलते हैं, वो सब उठा के लाए हैं। तितली की टॉयज की कभी कमी नहीं होगी भाई, ये लगता है मुझे। और तितली इधर देखिए, तेरे दादी के साथ मस्त परेशान हो रही है। इधर में बैठ बैठ के, ए शनू तितली तितली, मम्मी जी भी हो गई है, दादी दादी तितली दादी। शनू क्या हुआ तितली को? तितली को अभी ये सारा चीज़ें चाहिए जो देख रही है ना पीछे, इसको नज़र आ रहा है। तो मुझे तो मन कर रहा है मैं ही फ़ोटोशूट करवा लूँ, अपना रील वील कुछ बना लूँ यहाँ सब देख के। कैमरा में तो और अच्छा लग रहा है देखने में, देखिए ना बाबू। हाँ बहुत खूबसूरत लग रहा है। हाँ ये सब लेने के लिए एकदम परेशान है कि कब जाओ झपट्टा मारू। ये जो चीज़ें से खेलती है ना डेली डेली, वो देने से आज ये पकड़ नहीं रही है क्योंकि इसको चाहिए नई नई चीज़ें। बाकी यहाँ पे देखिए क्या प्यारे प्यारे फ्लावर्स भी उठा के तोड़ के लाए हैं पापा जी। एक फूल का मतलब पत्ता तक नहीं तोड़ने देते हैं जहाँ पे इन्होंने इतना इतना फ्लावर आज तोड़ के लेके आए। इतना सारा फ्लावर्स ये तोड़ उठा के लाए हैं स्कूल में से, और इधर पूरा एकदम लगे पड़ रहे हैं। गाइस फाइनली सेटअप हो गया है, ये कितना प्यारा है ना। बस अब 9 लिखना बाकी है क्योंकि 9 मंथ की हो गई है, तो 9 लिखेंगे। क्या हुआ है, बन चुका है हमारा जंगल थीम। एंड जंगल थीम बनने के साथ साथ हमारे आ गए हैं तितली के छोटे पापा आ गए हैं गाइस। और इनकी मेहनत देखिए एकदम, और इनकी मेहनत देखिए, ये क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 9 मंथ की पेपर कटिंग। मैं सोचा ना कि हैंडमेड करूँ कि हमारी बिटिया भी देखी कि यार कितना प्यार करते हैं हमारी मम्मी पापा। सारा कुछ हैंडमेड है, मतलब हाथ से ए टू जेड और नेचुरली तरीके से मैंने एग्जीक्यूट किया सारा कुछ, तो काफी अच्छा लग रहा है मुझे तो। काफी अच्छा भाई, खुशी मिलता है उसके लिए करने में, बाकी किसी के लिए मैं कुछ नहीं करता, सिंपल से बात है। भाई बेटी है मेरी, पेपर कट करके घर का हालत देखो भाई साहब, सब साफ हो जाएगा। 2 मिनट मेरे को देना, बस ये लिख लिया हूं मैं। यहां पे मंथ्स का एम हो गया है, ओ हो गया है, एन हो गया है, आई भी हो गया। ये एच है कि क्या है? कौन सा? टी एच, एच है शायद। कौन सा? हाँ एच है। तो एच बहुत ज्यादा चौला हो गया, आई जैसा लग रहा है। अब छोटा तो हो नहीं सकता, आई जैसा लग रहा है। होगी तो फिर से बना सकता हूँ मैं, छोटा काटी है। यहाँ पे छोटे छोटे, यहाँ पे छोटे छोटे भी है, ये सब प्ले स्कूल के हमारे बच्चे कुछ कुछ लेके आधा भाग जाते हैं, आधा बचा हुआ है। मस्त मस्त टॉयज, एकदम देखने में रियल लगता है। मैं इसे पहले छूती नहीं थी, मुझे बहुत वैसा फील होता था अजीब सा। ये हिरन देखिए एकदम लगता है कि जैसे रियल सा हो, है ना। ये पता नहीं क्या है, बाप रे बाप। बस ये वाला क्यूट लगता है मुझे, ये वाला अच्छा लगता है। हाँ ये वाला देखिए असली जैसा है। तो भाई प्रिपरेशन तो चल रही है, बाकी प्रिपरेशन चलते चलते हमारा डबल टेप हो गया है गुम, और डबल टेप गुम किया है तितली ने। भाई वो कहाँ रखी यार, कैसे सुना है? अब डबल टेप गुम कर दिया, तो डबल टेप से इधर उधर चिपक जाते हैं जल्दी। अब ढूंढते हैं उसको, पता नहीं किधर है क्या है। तो गाइस फाइनली 1.5 घंटे की करीब मशक्कत के बाद हमारी बिटिया का जंगल तैयार हो चुका है। तो अब बाकी मैंने उसका हाथी राजा जो है इसको भी रख दिया यहाँ पे, और यहाँ बैठ के बाबू का करने वाले हैं। 9 मंथ्स की हो गई है तो वो करेंगे हम लोग फोटो शूट, और बिल्कुल नेचुरल तरीके से सारा कुछ खुद से अरेंज किया है, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है, आपको दिखाता हूँ। तो गाइस पता है जितना इसमें मेरा मेहनत है ना, आप लोग देख सकते हैं, उतना ही पापा का योगदान है, क्योंकि पापा ने ही आइडिया दिया कि कैसे क्या कर रही है। अभी अब यहाँ पे बैठ गया, अब हम लोग करने वाले थे मस्त मस्त बनाएंगे रील्स, और इसमें भी इन्होंने भी हेल्प किया थोड़ा बहुत। बाकी